हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव साइमा। फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे JSN क्लीनिंग मॉप स्पिंग बकेट। जब मैंने इसको कार्ट किया था तो इसके साथ काफ़ी आइटम्स फ्री थे, तो मैंने सोचा जब 999 में इतना सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं तो क्यों ना इसे ही लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इस बकेट के साथ हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले मैं इस बकेट को बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसके साथ है एक तो ये स्टिक है, इसकी मॉप स्टिक, और साथ ही है ये पैडी क्लीनर, और इसकी दो रिफिल्स मिली हैं हमें जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वाइट कलर की हैं ये रिफिल। एक तो ये है और एक और है जो आपको साइड में रखी हुई दिख रही होगी। तो इस तरह से इसकी दो रिफिल्स हमें मिली हैं। इसके साथ आए हैं चार स्पॉन्ज, ये तीन ही हैं, शायद एक नीचे की तरफ कहीं दबा होगा। और इसकी जो रिफिल है ना, मुझे वो बहुत प्यारी और सॉफ्ट लग रही है, वाइट कलर की। मैं बार बार इसके ऊपर हाथ फेर फेर के देख रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एक है इसके साथ ये डस्टर ग्लव्स आया है इसके साथ, बहुत ही काम का ग्लव्स है। आप इसको अपने हैंड में पहन लीजिए और उसके बाद इससे आप टीवी, टेबल, फ्रिज या जहाँ कहीं भी डस्ट है, आप उसकी डस्ट इसको इससे साफ़ कर सकते हैं। बाद में आप इसको उतार कर इसे वॉश भी कर सकते हैं, तो ये वॉशेबल है। साथ ही साथ आया है इसके ये सिलिकॉन ग्लव्स, बहुत ही काम की चीज़ें मुझे इसके साथ मिली हैं, जो भी आई हैं वो सारी मतलब घर में सब यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और ये क्रीम कलर के दो ग्लव्स हैं, तो मैं तो इसका यूज़ करूँगी भाई अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए। मैं अक्सर हाथों से मेहंदी लगाती हूँ, मेरे हाथ रख जाते हैं। अब इस ग्लव्स का फ़ायदा ये है कि इसकी हेल्प से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी और मेरे हाथ लाल नहीं होंगे कम से कम। और इसके साथ मुझे मिला है पिंक टिनी ब्रश, ये इसका फ़ायदा ये है कि आप सिंक के कॉर्नर्स को इससे साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। साथ ही साथ मुझे मिला है ये टाइल्स क्लीनिंग ब्रश, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसके ऊपर डिटर्जेंट लगाएं और उससे अपने टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं। एक मुझे मिला ये लिक्विड ब्रश, इसका फ़ायदा ये है कि इस ब्रश के पीछे एक बटन होता है, तो आप उसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट भर सकते हैं और उससे आप अपने जो टाइल्स हैं या सिंक है उसके कॉर्नर्स को आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, इससे साफ़ हो जाता है। इसके साथ मुझे मिला है ये एक कारपेट ब्रश, कारपेट क्लीनर ब्रश, और सॉफ्ट है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। इसके साथ एक स्मॉल किचन वाइपर मिला मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है ये। एक डस्ट पैन इसके साथ आया था, इसकी क्वालिटी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। बाकी चीज़ें सब अच्छी हैं, काम की हैं, घर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं। और लेकिन जब हम यूज़ करते हैं उसको, तभी हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी और कितने दिन चल रही है। पहले से ही क्या बता सकते हैं इसके बारे में। ये एक वारंटी पेपर है, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन भी इसके साथ है कि आप किस तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे, वो भी इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको असेंबल करते हैं। तो ये प्लास्टिक का एक रॉड है और उसके अंदर हमें ये प्लास्टिक का एक छोटा सा रॉड दे रखा है, इसको इसके अंदर फिट करना है। इसके अंदर एक होल है जिससे आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अब इस प्लास्टिक के रॉड को आप आयरन के रॉड में असेंबल कर लें, थोड़ा सा ताकत लगा के आप इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो ये इसमें एकदम सही से हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और इसके बाद अब आप इसे मॉपिंग डिस्क में असेंबल कर लीजिए। इसके बाद आप बकेट में पानी भरिए और जो भी फ्लोर क्लीनर का आप यूज़ करते हैं वो उसमें मिलाइए, और इसके बाद मॉपिंग डिश को इसमें डालिए, डालकर इसको घुमाइए और निकाल कर फिर आप स्प्रिंग बकेट में इसको डालिए और घुमाइए। आप देखेंगे कि सारा पानी निकल जाएगा और इसके बाद आप अपने फ्लोर को इससे क्लीन कर सकते हैं।